Hello everyone, welcome back to our channel. Our today's topic is how to write writing introduction. In our last video, we discussed how to give appropriate answer of different type of questions. तो सी अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे लिंक दिता हुआ वा प्लीज उस वीडियो में जाके देखो ताकि थोड़े सारे मिक्स जो क्वेश्चन नो अटेम्प्ट करने देने वो क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो जब हम डिस्कस करांगे उसे वीडियो नो आप अभी कंटिन्यू कर रहे हैं कि ऐसे भी इंट्रोडक्शन किदा लिखने हैं। ओके, इंट्रोडक्शन की हुंदी है नॉर्मली आप गल करते हैं। पहला इंट्रोडक्शन मान लो मैं थोनू नॉर्मली थोड़े बारे पूछया वा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ तो वो इंट्रोडक्शन ही होगी। तुम मैं अपने बारे दस रहे हो। सेम इज इन योर एसे पार्ट। असी जो सानू एक एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिता वा असी उस चीज़ की इंट्रोडक्शन लिखनी है, उस चीज़ के बारे लिखना है, तो अपने व्यू पॉइंट्स लिखने भी असी उस चीज़ मतलब वो टॉपिक के रिलेटेड की सोचते हैं, उस चीज़ को इंट्रोडक्शन कहते हैं। मैं थोड़ा क्लीयर कर दवा कि जो आप एक एसे लिखते हैं तो साढ़े डिफरेंट डिफरेंट बैंस कोर्स के अकॉर्डिंग सानू उस चीज़ को लिखन के स्ट्रैटेजीज भी चेंज हो जाएगा ने। 6 बैंड लिए अलग, 6.5 बैंड लिए अलग, 7 बैंड लिए अलग, 7+ लिए अच्छा सानू की देना पैंता है, वह सारिया चीज़ा भी आप वीडियो में डिस्कस करा। हुण अगर आप गल करिए सिर्फ थोड़ी 6 बैंड की, आप सिंपल पहला थोड़े 6 बैंड की स्ट्रैटेजी तो शुरू करते हैं। 6 क्लीयर हो जाएगी फिर आप 6.5, 7 एंड 7+ डिस्कस करा। और 6 बैंड लिए सब तो पहली चीज़ आप देखते हैं सिर्फ 2 स्टेप्स तुम फॉलो करने हैं। बहुत सिंपल जहा तरीका दस दी हाँ, 2 स्टेप्स तुम फॉलो करने हैं। पहली चीज़ हैगी आंसर टू दी क्वेश्चन। वॉट इज आंसर टू द क्वेश्चन? मैं थोड़ा क्वेश्चन पूछा वॉट इज योर नेम, तुम मैं आंसर का शुरुआत किमें करोगे? माई नेम इज विपिन जोत कौर। मतलब तुम पहला क्वेश्चन का ही एक पार्ट चक्या वा फिर उस चीज़ को मतलब आंसर फॉर्म के बोलिया। इनू की कहते हैं मतलब क्वेश्चन का ही पार्ट चक के आंसर का स्टार्टअप करना, इनू आंसर टू द क्वेश्चन कहने भी एग्जैक्टली सामने एग्जामिनर ने पूछा की आ, चाहे वह स्पीकिंग आ चाहे वह राइटिंग आ, है ना। सेम थोड़ा इतने राइटिंग आंसर टू द क्वेश्चन आ गया। असी करना की आंसर टू द क्वेश्चन जो साडे एग्जामिनर ने सानू क्वेश्चन दे विच ही पूछा होया वा असी हुण गल करन दी शुरू कर देते हैं। एक गल कर रहे हैं आपां नॉर्मल, उहनू आपां गल जदों कंटिन्यू करनी आ तां आपां पहला टॉपिक लवांगे। मान लो मैं तुहानू क्वेश्चन पूछा वा इंप्लॉयर्स शुड गिव स्टाफ एटलीस्ट 4 वीक्स हॉलीडेज अ ईयर टू मेक इंप्लॉयज बैटर एट देयर जॉब्स। हुण क्वेश्चन का मतलब की आ कि जिहड़े बॉस ने बॉस नू अपने जिहड़े वर्कर ने उन्हां नू 1 महीने की छुट्टी देनी चाहिए एक साल के विच ताकि मतलब उस जिहड़ी जॉब आ वह बैटर हो सके। ये थोड़ा क्वेश्चन आ रहा है। हुण साडा फर्स्ट स्टेप की आ आंसर टू द क्वेश्चन। जब मैं हूँ आंसर टू द क्वेश्चन देना आया एग्जामिनर ने मैंने पूछा भी आ तेरी स्टेटमेंट आ, मैं उस चीज़ से स्टार्टअप मतलब स्टार्ट करना शुरू करना है ना, उन्होंने लिखना शुरू करना वा तो जरूरी नहीं है बच्चों के माइंड में मिथा कि असं उन्होंने रीफ्रेज करना। इनू कई बच्चे तो आंसर टू द क्वेश्चन रीफ्रेज दी स्टेटमेंट भी कहते हैं। दैट इज़ नॉट मैंडेटरी कि तुम इन रीफ्रेज करना ही करना वा। समटाइम्स साढ़े को बच्चे की करते हैं स्टक हो जाते हैं अपने माइंड में मिथ बिथा बना के बैठे होंगे ने कि असी रीफ्रेज करना ही करना वा। एग्जाम के एवं की स्टेटमेंट आ गई जी सू रीफ्रेज करनी नहीं आती हैगी, कुछ लिख ही नहीं पाते हैं, बैंस कोर्स नहीं आते, 4.5-5 तो बैंड नहीं टपते। हूँ थोड़ा 3 बैंस कोर्स की मैं डिवीजन दसनी हाँ कि किमें 6 बैंड वाला लिख सकते हो, किमें 6.5 वाला लिख सकते हो, किमें 7+ वाला लिख सकते हो। कुछ सिंपल जहाँ क्वेश्चन मैं तुम्हें पूछा वा, जरूरी नहीं है थोड़ा वो वोकैबुलरी नहीं आती, सिनोनिम नहीं आते, तुम्हें लिखना ही नहीं कुछ, तुम एज इट इज़ लिख लो। रीफ्रेज नहीं भी होगा तो सिंपल तुम्हें आंसर टू द क्वेश्चन देना वा, तुम अपना क्वेश्चन लिखना शुरू कर लगे तुम एज इट इज़ भी लिख सकते हो। जो असं रीफ्रेज करते हैं रीफ्रेज के करते हैं असी सिनोनिम्स ऐड कर दें, थोड़ी जी असी वोकैबुलरी ऐड कर दें तो होंगे वैरायटी आ जाती है। एग्जामिनर को क्लीयर हो जाता वा कि सानू इंग्लिश आती है, ज़्यादा चीज़ा दे रहे हैं असी क्वेश्चन की डिमांड तो असं ज़्यादा चीज़ा दे रहे हैं तो वो साडा 6.5 या 6.5+ मैथ स्कोर वाला आंसर टू द क्वेश्चन बन जाता वा।
सो आंसर तो क्वेश्चन किया, जरूरी नहीं है अगर तुम्हें रीफ्रेज हो करके लिखना है तो उसको एज इट इज ही लिख सकते हो। अगर मैं हम इस क्वेश्चन की गल करा तो मैं इनू एज इट इज लिख सकती हूँ, एम्प्लॉयर शुड गिव स्टाफ एटलीस्ट 4 weeks हॉलीडेज अ ईयर टू मेक एम्प्लॉयज बैटर एट देयर जॉब्स। ये की बनूगा मेरा 6 मैन स्कोर वाला, एटलीस्ट 6 मैन स्कोर वाला ऐसे बन जूगा। फिर उस तो बाद मेरा नेक्स्ट पार्ट की है कि मैं ये थीसिस लिखना वा, मैं अगे अपना कंटिन्यू करूँगी मेरा थीसिस अकॉर्डिंग टू मी, जो भी उन्होंने मेरे को पूछा हुआ वा डू यू अग्री और डिसअग्री, फिर मैं अगर मैंशन कर दूँगी अकॉर्डिंग टू मी या आई अग्री विद द स्टेटमेंट, वो मेरा थीसिस बनूगा। सो क्लियर है आंसर टू द क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि तुम्हें रीफ्रेस करना। अगर तुम इस चीज़ में रीफ्रेस करना है तो तुम कि रीफ्रेस कर सकते हो, मेरे हम क्वेश्चन के इतने हैगा वा एम्प्लॉयर्स स्टाफ वीक्स हॉलीडे इंप्लॉयज बैटर एट देयर जॉब्स। मैं इन्हों वर्ड्स को इन्हों वर्ड्स के सिनोनिम्स यूज कर सकती हाँ, तो मैं की लिख सकती हाँ दैट एम्प्लॉयज की जगह पर मैनेजर्स लिख सकती हाँ, है ना, गिव की जगह पर मैं अलाउ लिख सकती हाँ, उत्थे लिखा हुआ वा मेक 4 weeks लिखा हुआ वा, 4 weeks किन्ने होंगे 1 महीना होंगे तो मैं 1 month लिख सकती हाँ, है ना। अपने इंप्लॉई को सिनोनिम यूज कर सकती हाँ मैं वर्करस, दैन उन्होंने जो जॉब एरियाज लिखे हुए हैं जॉब्स वर्ड लिखा हुआ मैं उन्होंने वर्क प्लेस यूज कर सकती हाँ वर्ड, तो मेरे सिनोनिम्स यूज करके मैं उन्होंने रीफ्रेस किदा करूँगी, मोल्ड किदा करूँगी, दैट मैनेजर शुड अलाउ अ मंथ ब्रेक टू द वर्कर्स इन ऑर्डर टू गैट देयर बेस्ट एट वर्क प्लेस। ए वाली थोड़ी जो नीचे मैनशन आ, ए मैं इस स्टेटमेंट की रीफ्रेस करके लिख सकती हाँ, कुछ नहीं किया बस सीधे जे वर्ड्स थोड़े बहुत सिनोनिम्स यूज करके मैं उन्होंने मोल्ड अप करता। इनू की कहते हैं आंसर टू द क्वेश्चन देना, क्वेश्चन ही आंसर फॉर्म में लिखना, बस जो आप 6.5 plus मैं स्कोर ही वर्क करते हैं तो आप अपनी वास्ट नॉलेज शो कर रहे हैं एग्जामिनर, थोड़े जे सिनोनिम्स थोड़ी जी वोकैबुलरी यूज करके। क्लियर है 6.5 वाली तुम इंट्रोडक्शन का स्टार्टअप किमें करना है, और 7 बैंड की इंट्रोडक्शन का स्टार्टअप किमें करना आप चीज़ डिस्कस करते हैं। 7 बैंड ली सी, 7 बैंड अगला क्यों दूगा, तो 7 plus band क्यों दूगा, मतलब वो चीज़ तुम एग्जामिनर प्रूव करोगे जो कि थोड़ा इंग्लिश आती है, यू हैव वास्ट नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपको अपनी मतलब नॉलेज तो ज़्यादा थोड़ा जहा देना पैना, वो डिमांड तो ज़्यादा थोड़ा जहा देना पैना वा, तो ये वास्ते असं की करना वा वेन वी हैव टू राइट 7 बैंड इंट्रोडक्शन, तो असी एक चीज़ ऐड कर देनी है, असी 2 की बजाए 3 steps कर देने ने फॉर 7 and 7 plus band scores। मैं ये फर्स्ट स्टेप ऐड कर दूंगी एक जनरल लाइन, सैकेंड मेरा वही रहूँगा आंसर टू द क्वेश्चन, थर्ड मेरा चल जूगा थीसिस। हम जनरल लाइन की आ एक नॉर्मल क्योट लिखना, नॉर्मल जहा सीधा जहा क्योट लिखना जो थोड़ा क्वेश्चन में पूछा गया हों, क्योट लिखना किमें, जनरल लाइन लिखनी किमें आ, इनू असी इनू टैगलाइन भी कहते हैं, असी अपने क्वेश्चन के एक कॉमन कीवर्ड चकना आ, उस कॉमन कीवर्ड की डेफिनेशन लिख देनी आ। आई एम रिपीटिंग इट, जो तुम जनरल लाइन टैगलाइन लिखनी आ, एक क्योट लिखना वा 7 plus band ली या 7 बैंड ली अपने ऐसे ली, तो तुम्हारी स्टेटमेंट के एक कॉमन कीवर्ड, सिर्फ कीवर्ड नहीं कॉमन कीवर्ड चकना, कॉमन मतलब वो वन साइड ऑफ स्टेटमेंट के भी होवे, सेकेंड साइड ऑफ स्टेटमेंट में भी होवे, कॉमन कीवर्ड चाके उस चीज़ की डेफिनेशन लिख देनी है, दैट इज़ द जनरल लाइन ऑफ योर 7 and 7 plus band scores इंट्रोडक्शन। ओके, ये आप क्योट की बना सकते हैं कॉमन कीवर्ड का, मेरे को इतने वेकेशन की गल हुई है, इंप्लॉयज भी ने इंप्लॉय भी आ, सो आई कैन राइट स्टार्टअप आप उदा ही करा एक वधिया जिहा भारी भरकम वोकैबुलरी यूज करके, एंड दैट भारी भरकम वोकैब इज इन दिस मॉडर्न एरा, इन दिस कंटेंपररी एरा, इन दिस मॉडर्न अपोच, कुछ भी तुम इस चीज़ के जो लिंक्स है मतलब कि वर्ड्स यूज कर सकते हो उस चीज़ की, थोड़ा एक अलग वीडियो मिल जूगी तुम उतो चक सकते हो। सो ओके कंटिन्यू कर दें इंट्रोडक्शन के नाम, मैं लिख सकती हाँ इन दिस कंटेंपररी एरा, इन दिस मॉडर्न अपोच कुछ पोच कुछ भी, इन दिस मॉडर्न एरा इट इज़ बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर एन इंडिविजुअल, कुछ भी फॉर अ पर्सन फॉर एन इंडिविजुअल टू मैनेज देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, या फिर टू बैलेंस देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, इंटेंडिंग टू दिस या फिर ड्यू टू दिस
सम पीपल से हूँ इतने ही चीज़ है ना कि कुछ किसी ने तो क्या हो सम पीपल से एम्प्लॉयर शुड गिव स्टाफ एटलीस्ट वो ही आप सिनोनिम जो पहला लिख के लगाया मैनेजर शुड गिव वन मंथ ऑफ टू दी वर्कर्स जो आप हमने पहला आंसर टू द क्वेश्चन बोलिया मैं उस चीज़ को अगे कंटिन्यू कर दूंगी ए मेरा की बनूगा सेवन सेवन प्लस मैं स्कोर की इंट्रोडक्शन बन जूगी जी मैं किमें बनाई है मर्ज करके अपनी जनरल लाइन एंड अपनी आंसर टू द क्वेश्चन मर्ज करके एग्जामिनर को शो किया वा कि मैं इंग्लिश भी बहुत नॉलेज है ठीक है आड़ा सैंपल हो सकता है इस चीज़ का कि तुम किमें हम लास्ट स्टेप साढ़ा आंदा वा इंट्रोडक्शन विच थीसिस बार गल करिए सिक्स 6.5 एंड 7 या 7 प्लस बैंस कोर्स की अगर तुम सिर्फ 6 बैंस कोर्स पर वर्क करना चाहते हैं थोड़ी रिक्वायरमेंट घट आ पाँच साढ़े पाँच आ छे एटलीस्ट लेना चाहते हैं है ना तो तुम सेम अगर रीफ्रेज नहीं समझ आती मैं पहला भी क्लीयर किया अगर रीफ्रेज नहीं समझ आती किमें करनी है तो तुम उसको एज इट इज लिख के तुम थीसिस लिख देना मतलब सिक्स बैंड वास्ते सिर्फ दो चीज़ा लिखनिया ने टू स्टेप्स पहला की आ आंसर टू द क्वेश्चन दूजा की आडा थीसिस अगर तुम 6.5 बैच कोर्स भी करना है तो तुम सिर्फ आंसर टू द क्वेश्चन एज इट इज नहीं लिखना रीफ्रेज करना वा पैराफ्रेज करना ही करना वा उस चीज़ को फॉर 6.5 बैच कोर्स अगर तुम 6.5 प्लस बैच कोर्स ले रहे हैं तो तुम उस चीज़ के स्टेप इतने ऐड कर दोगे जनरल लाइन ठीक है हम थीसिस पार्ट है जरा ये मैंडेटरी रहने ही वाला वा हम थीसिस हों की थीसिस हों योर व्यू पॉइंट थोड़ा जो क्वेश्चन पूछा गया वा उसके अकॉर्डिंग थोड़े की थॉट्स ने वो चीज़ लिखना उन्होंने थीसिस कहते हैं हम थीसिस में बहुत तरह का होंगे सिक्स बैंस कोर्स की अलग 6.5 बैंस कोर्स की अलग 7 प्लस मैथ्स कोर्स की अलग वो आप डिस्कस करते हैं किमें कर सकते हैं जिम्मे हम अपनी इंपॉर्ट वाली स्टेटमेंट आ हूँ इतने सिर्फ अगर मैं सिर्फ सिक्स बैंस कोर्ट वाली चीज़ करनी हो सिक्स बैंस कोर्ट में अगर तुम्हें पहला की समझाया भी एज इट इज लिख दो तो इतने थोड़ी होगी क्रैम वाली चीज़ आनी है क्वेश्चन की पूछा गया वा टू वट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री सिंपल तुम उसकी थीसिस मेरा व्यू पॉइंट दे दोगे मैं क्या कहनी हाँ आई टोटली अग्री विद दिस स्टैंजा आई टोटली अग्री विद दिस स्टेटमेंट आई टोटली अग्री विद दिस नोशन कुछ भी जो भी मेरा मतलब वर्ड मेरे माइंड आता स्टेटमेंट स्टैंजा कुछ भी वो चीज़ तुम उसे लिख सकते हो सिंपल छे बैंस को ही लिख दोगे क्वेश्चन एज इट इज लिख के आई टोटली अग्री विद दिस स्टैंजा हूँ अगर असं 6.5 बैंस कोर्स भी बनाना या 7 प्लस बैंस कोर्स भी की बनाना वा फिर असं एग्जामिनर व्यू पॉइंट्स दे के जावे व्यू पॉइंट्स की होंगे ने मतलब एग्जामिनर दसना कि अगे इस असं की लिखने वाले हाँ मेरे व्यू पॉइंट्स की ने हम ऑब्वियस अगर मैं अगली साइड जा रही हाँ तो मैं अगली के व्यू पॉइंट जो मतलब मेरे बुलेट्स ने वो मैं उत्ते हिंट थोड़ा बहुत थीसिस विच दे के जाऊंगी कि मैं आ चीज़ा नीचे लिखन लगी हाँ उस तो बाद उही पॉइंट्स में नीचे जाके एलाबोरेट कर दूंगी हम मैं थीसिस किमें लग सकती हाँ आ थोड़ा मैनशन का थीसिस हूँ सी ए मैं कि मैनशन किया वा मैं अगड़ी जा रही सी मेरे अकॉर्डिंग हाँ जी ये चीज़ होनी चाहिए आ तो मेरे अगड़ी के व्यू पॉइंट्स ने मैं कि कह रही हाँ कि हाँ ये फैमिली बॉन्ड जोड़ा है वो स्ट्रोंोंग हो जाता वा है ना वो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं अपने हैक्टिक शड्यूल है ना तो मैं उही चीज़ अपने थीसिस में लिखिया ने की लिखिया वा आई टोटली अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट क्यों व्यू पॉइंट देना ना जो मैं नीचे लिख लगी हाँ क्यों एज हैविंग 4 वीक्स ऑफ स्ट्रेंथन द फैमिली बॉन्ड फ्रॉम देयर वर्कफोर्स एंड प्रोवाइड दैम इनफ टाइम टू गैट रिलीफ दूजा मेरा किसी भी उन्होंने रिलैक्सेशन मिलेगी है ना मैंने इतने किमें मैनशन किया टू गैट रिलीफ फ्रॉम देयर मोनोटोनियस वर्किंग स्कड्यूल हैक्टिक स्कड्यूल मोनोटोनियस वर्किंग स्कड्यूल है ना तो उस चीज़ में अपने नीचे अपने ऐसे में मैनशन जो करने वाली हूँ मैं उसके थीसिस में दस के आई हूँ हम जरूरी नहीं है कि सब के अगली पॉइंट होंगे कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये चीज़ होनी नहीं चाहिए आई डिसअग्री तो जो थोड़े डिसअग्री के पॉइंट ने तो उस अकॉर्डिंग अपने डिसअग्री के अकॉर्डिंग थीसिस बना दोगे क्लीयर इंट्रोडक्शन किमें लिखनी है ऐसे दे किमें असी क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग इस चीज़ को आप लिखना आया तो प्लीज़ नीचे लास्ट वाली वीडियो तुसी देख सकते हो जिद सारा क्लीयर आ कि किदा क्वेश्चन की पूछा गया वह आंसर किमें देना आ तो ये आप क्लीयर कर चुके हैं कि इंट्रोडक्शन किमें लिखनी है एंड अगर तुसी अपने 7 प्लस मैथ्स कोर्स के सैंपल चाहते हो तो प्लीज़ साडे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो उत्थे तुहानू 7 प्लस मैथ्स कोर्स के सैंपल मिल जाएंगे एंड अगर तुसी अज तक पेज को नहीं सबसक्राइब किया काइंडली सबसक्राइब इट इत्थे तुहानू सारे टेस्ट
whether that's IELTS, whether that's PT, whether that's CELPIP. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦ ਪੇਜ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ।